नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खबर सटई की। यहां सटई में भी ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही शान शौकत के साथ मनाया गया, जहां लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद के इस पावन पर्व की बधाइयां भी दी। आपको बता दें, सुबह से ही ईद के पर्व पर ईदगाह पर लोगों के द्वारा नवाज को अदा किया गया व एक दूसरों से गले मिल करके ईद की बधाइयां दी। साथ ही सेवैयों की एक भरमार के रूप में एक दूसरे के घर आना और आपसी संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास भी मुस्लिम जनसंप्रदाय के लोगों के द्वारा किया गया। हर साल की तरह इस साल भी ईदगाह मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस शान शौकत की तरह जिस तरह हर साल की जा रही है। ईद उल फितर की जो नमाज थी सटी जाए ईदगाह में उसको हुआ है और अल्लाह से दुआ की गई है कि हमारे देश में अमन शांति कायम रहे। हम सभी कौम के लोग मिलकर साथ रहें, अपने देश को तरक्की की तरफ ले जाएं। इसलिए अल्लाह, एक खास नमाज होती है, इसमें अल्लाह से ये दुआ की जाती है। हर मोमिन भाई यहाँ आया, इतनी गर्मी थी कि इसके बाद भी उसने नमाज अदा की और साथ ही साथ अल्लाह से दुआ की कि हमारा देश और तरक्की की तरफ जाए और कामयाबी पाए और सभी भाईचारे के साथ मिलकर रहें। कस्बा सटई में मुस्लिम भाइयों द्वारा आज ईद के अवसर पर ईदगाह में नवाज अदा की गई 8:30 से 9:15 तक। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ खास खबरें और उनकी नई अपडेट्स के साथ। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।